पूरा इंदौर रो रहा है, हर तरफ मातम पसरा हुआ है, क्योंकि रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश को एक गहरा झटका लगा है। जब इंदौर की सड़कों से मृतकों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, सबकी आंखों में आंसू थे, हर कोई गमगीन था। लोग उस घड़ी को कोस रहे थे जब नगर निगम ने नोटिस देने के बाद भी मंदिर प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और मंदिर प्रशासन ने मंदिर परिसर में बावड़ी पर छत का निर्माण कर दिया। हालांकि जब इतनी बड़ी घटना हुई तो प्रशासन की नींद खुली है और अब अधिकारी कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। अभी सभी लोग घटनास्थल पर ही हैं, बचाव कार्य जारी है, और जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि एक परिवार के सदस्य अभी भी गुमशुदा हैं, उनकी बरामदगी अभी नहीं हुई है। लगातार NDRF की टीम, नगर निगम की टीम, SDRF और आर्मी की टीम काम कर रही है, लेकिन संभव अभी तक उनको नहीं ढूंढा जा सका है। टीम लगातार काम कर रही है, तो हम लोगों को अपेक्षा है कि अगले 1 से 2 घंटे में इसमें सफलता मिलने की उम्मीद है। जो भी तरीके हैं, जो भी नीचे जो टीम जा रही है उसको जिस तरीके की चीजें लग रही हैं, वो सभी काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मैम, बगीचे को लेकर किस तरह के नोटिस पहले दिए गए थे और क्या कार्रवाई की? बगीचे को लेकर के एक निवासी संघ द्वारा जो शिकायत की गई थी, उस संबंध में नोटिस जारी किए गए थे। संबंधित जो ट्रस्ट है उनके द्वारा रिप्लाई भी दिया गया था, और रिप्लाई के बाद एक फाइनल ऑर्डर पारित किया गया था कि जो भी रिमूवल करना है वो ये अपने हाथ से कर लें। तो इस तरीके की जो प्रथम दृष्टया फैक्ट सामने आए हैं उनके आधार पर ये बदस्तूर स्थिति अभी बन गई है। मैडम, कार्रवाई न करने को लेकर कोई राजनीतिक दबाव नहीं? ऐसा कोई विषय नहीं है, लेकिन देखिए धार्मिक स्थल सेंसिटिव विषय होता है, ये पॉइंट जरूर है। और अभी हम लोग जो बाकी सभी दस्तावेज हैं, जमीन को लेकर के बीच में कोई क्लेम आए हैं कि ये जमीन ट्रस्ट की थी, उसको लेकर के भी हम लोग जांच कर रहे हैं, क्योंकि ये IDA की पुरानी कॉलोनी का, पुरानी स्कीम का विषय है, तो वो भी हम लोग